और आज भी हम एक झटपट रेसिपी बनाने वाले हैं और उसका नाम है स्पाइरल पोटैटो। ये बहुत जल्द वाली रेसिपी है, 5 और 10 मिनट्स में बन ही जाती है। और इसके मतलब हम लोग को इतने कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। इसमें ना इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते थे। इसमें हमने लिया है 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और मैदा लिया है हमने। और गाइस हमने क्या क्या लिया है इंग्रेडिएंट्स में, हमने लिए 1/2 टीस्पून रेड चिली और हमने लिया है अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट और हमने लिया है 1 टीस्पून हमने लिया है शेजवान सॉस। और इसे हमें बहुत कम लेना है क्योंकि हमें बस एक पतली सी स्लरी बनानी है। अब हम कॉर्नफ्लावर और मैदा एक साथ डाल रहे हम इस पे थोड़ा सा वाटर लेंगे। अब हम इसकी स्लरी बनाएंगे। गाइस ये हमारी स्लरी रेडी हो चुकी है। अब हम इसका स्पाइरल बना लेते हैं पोटैटो से। ये हमने लिया था पोटैटो का, पर आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा बहुत मोटा कट जाता है, नहीं तो हम आपको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। अब हमारा स्पाइरल रेडी हो चुका है, ये बीच में से खोले नहीं है हमने, तो ये रेडी हो चुका है गाइस। अब हम इसे इसकी स्लरी में डिप करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। गाइस हम इसके ऊपर पुट कर देंगे देखिए हमारा जो ऑयल है वो बहुत हॉट हो गया है, इसमें आपको हॉट ही रखना है। तो हम इसमें डाल रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स हमने ये तेल डाल दिया है। गाइस देखिए हम ना अभी इसे अच्छे से गोल्डन फ्राई एक तरफ करेंगे, फिर दूसरी तरफ भी इसे गोल्डन फ्राई करेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। फिर टर्न करिए और देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसे डिश आउट करके गार्निश करते हैं। गाइज ये इतना क्रिस्पी बना है, देखिए आपको इसकी आवाज आ रही होगी। गाइज ये बहुत क्रिस्पी बना है। अब हम इसे गार्निश करेंगे, हम इसको गार्निश करते हैं। गाइज अब हम ना इसमें ना इसे थोड़ा सा इसमें ना चाट मसाला डालेंगे। अब मैं आपको ये हमने ना इसे डिश आउट कर लिया, गार्निश कर लिया। अब मैं आपको इसे खाकर दिखाती हूँ। सो यम्मी है ना, यम्मी है ना, बहुत यम्मी है। और गाइस ये एकदम चिप्स की तरह फुल चिप्स है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी जरूर दबा देना कि जब भी मेरा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय, अल्लाह हाफिज।